दियो करो मौज मौज मिलते ना है मौके रोज रोज खाओ पियो करो मौज मौज मिले ना जो लो तुम खोज खो। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नहीं करने दो पहले तू बजा ले। तो भाई आज हम आए हैं गुड़गांव में और हमारे साथ है भाई केसी व्लॉग्स। क्या हाल है? चेयर्स नहीं है भाई, कॉफी है। केसी व्लॉग्स के हम खड़े हैं यहाँ पर। अभी कॉफी पकड़ी हमने एक यहाँ थर्ड वेव कॉफी से। अभी हम जाने वाले हैं बिमरा 4X भाई की फॉर्च्यून की लाइट अपग्रेड करने के लिए। तो बेसिकली मैं एक रोड ट्रिप प्लान कर रहा हूँ बड़ा। तो यहाँ ये जो एरिया है ना नंबर प्लेट के ऊपर ये वाला, हाँ यहाँ हमें दो ऑक्सिलरी लैंप लगाने हैं जो जाके अभी विंटर आ रही है, फॉग भी बहुत होगा उसमें भी हेल्प करेंगे। और हम सोच रहे हैं प्रोजेक्टर लैंप भी इसके अपग्रेड कर लें। जो फॉग में होता है ना ये वाला, हाँ। मैंने रिकमेंड किया कि भाई साथ ही करवाई लो कि मेरे को भी चुल रहती है। भाई की थार भी दिखाएंगे आपको एक किसी दिन। आज दिखाई देंगे, आज कोई दिखा देंगे। भाई ने थार ने बड़ा महंगा सामान करा क्या, फुल बातचीत कर रखी है थार में। भाई की थार भी बड़ी हाईली मॉडिफाइड है तो हो सकेगा तो वो भी दिखाएंगे। अदरवाइज पहले ये मेन काम लाइटों का है, ये करवाते हैं। बाकी बात अभी बाकी बात आपको बताएंगे वहाँ पहुँचने के बाद। और भाई बहुत बहुत सॉरी, बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। जो इंस्टा पे जुड़े हैं उनको तो पता चल गया होगा मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए टाइम नहीं लग रहा था भाई ब्लॉग बनाने का। पता नहीं मैं हूँ नहीं उतना कम्फर्टेबल है ना पर्सनल लाइफ इतने, मतलब सोशल मीडिया पे बता तो रिपब्लिक को। हाँ मतलब हाँ भाई मेरी शादी थी तो इसलिए मैं उसमें बिजी था, इसलिए वीडियो बना नहीं पाया। अब हम बना पाएंगे होपफुली। अगला जो ट्रिप प्लान कर रहे हैं उसमें आपको देख ही जाएगा, हमारी मैडम भी उसमें आई जाएंगी होपफुली। पहले अभी ट्रिप की प्रिपरेशन कर लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा ट्रिप है, गाड़ी तैयार होनी बहुत जरूरी है। इतने किलोमीटर कवर करने हैं, मोस्टली उसमें नाइट ड्राइविंग भी होगी, फॉग भी होगा, काफी कुछ होगा। 3000 किलोमीटर आराम से भाई, आराम से आना जाना काफी हो जाएगा। मैं तो अगर रन ऑफ कच गए तो और भी अंदर तक जाना पड़ेगा। 3+ ही है फिर तो यार। तो अब चलते हैं फटाफट भाई, पहले बिमरा पर एक बार लाइट का पूछ लेते हैं लग पाएगी नहीं लग पाएगी। और बारिश भी हो रही है गुड़गांव में, सुबह से मौसम बहुत खराब है। तो फटाफट चलते हैं वहां एंड फिर आपको बताते हैं क्या सीन है। तो हम पहुंच चुके हैं बिमरा 4X4 पर। जो लाइट मैंने शॉर्टलिस्ट करी थी आने से पहले वो ये वाली थी जूम की, इसमें येलो वाइट दोनों थ्रो आता है। ऑप्शन अपने पास लाइट फोर्स भी है, हेला भी है, पर मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूँ जो ज्यादा आंखों में पता भी ना चले कि कुछ और दिखेगी ना कि भाई लाइट का अपना काम हो जाए और गाड़ी में लगी हुई ना दिखे, थोड़ी हिडन रहे नहीं क्योंकि इनका चलान तो हर जगह हो गया होगा। तो ये लग जाती है तो थ्री लेंस वाले इसके साथ ही जाएंगे। बाकी इसके अलावा देखते हैं अगर टाइम लगा तो एक डैश कैम भी लगवाना था मेरे को वो यहाँ से या कहीं और से देखते हैं। यार अलॉयज बढ़िया लग रहे हैं यार वाले। और ये ना JTI के मेरा मन है इसी कलर के रिम लगवाने का, फॉर्च्यूनर वाले कॉम्बिनेशन में अपने ये आ रहे ना वाइट कार के साथ बढ़िया लगते हैं। हाँ बढ़िया लगेंगे ब्राउन कलर ये, लेकिन मेनली थार के लिए, लेकिन आप फॉर्च्यूनर में बढ़िया ही लगेंगे ये भी लगा सकते हैं। कटिंग करके ग्रिल कटिंग करके, हाँ ग्रिल कटिंग करके लगा दें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ग्रिल कैसे काटोगे? ये ग्रिल कट करना पड़ेगा उसमें से अंदर कुछ डैमेज का नहीं होता रहेगा पानी वानी ये वो? नहीं नहीं क्या डैमेज का, ये दो ग्रिल एक कटेंगी यहाँ से एक यहाँ पे आ जाएगी, एक ये यहाँ से कटेगी एक यहाँ पे आएगी। ये तो लाइट ग्रिल नहीं काटना तो आपको ये लाइट यहाँ आ जाएगा, यहाँ लगा लो। लेकिन फिर उसके लिए बाहर निकलेगी ना फिर वो फिटिंग लगेगी और बाहर नहीं नहीं काट के बंद लगा लो, काट के फिर छुपी भी रहेगी थोड़ी देर साइड रहेगी फिर बढ़िया। उसके लिए फिटिंग भी नहीं बनानी पड़ेगी अपन भाई, बनानी पड़ेगी फिटिंग तब भी बनानी पड़ेगी। लाइट आएगी कितना टाइम लगेगा इसमें? पूरे दिन का जॉब है जी। पूरे दिन का शाम तक दोगे मतलब? इसमें भी पूरा दिन लग जाएगा यार। फिर तो मेरे को गाड़ी लानी चाहिए थी यार अपनी, यार वो तो हम कैब कर लेंगे, गाड़ी तो खड़ी कर लेंगे। बम्पर खुलेगा इसका, फिटिंग अंदर चेची से फिटिंग बनानी होगी पूरी, तब जाके पक्की निकलेगी बाहर। यहीं पे आएगी ना पत्ती, ये कटिंग होगी। काम तो करवाना ही है, अब ये बताओ 1 बज गए हैं। तो भाई हमारा काम यहाँ तो नहीं हो पाया बिमरा पर, अब हम कहीं और चलेंगे। कल मेरी बात हुई थी इनसे जब तो उन्होंने कहा था गाड़ी ले आना, अब कह रहे हैं हमारे पास बंदा नहीं है, इतने बड़े बड़ी दुकानें खोल के बैठे हैं भाई यहाँ गुड़गांव में।
यूट्यूब पे भाई हवाबाजी करवा लो, यहाँ ये है वो है, साला जब लेके आओ ना इनके पास गाड़ी तो इनके पास काम नहीं करने वाला होता कोई, पता नहीं भाई कैसे चला रहे हैं लोग बिजनेस। अरे इनका वैसा हो गया ना भाई, इनका बहुत टाइम से, ठीक है आप वाली बात भी ठीक है, इतने दूर से आ रहे हो और यहाँ बंदा ही नहीं है, बोला तो यही था कि हाँ चलो करवा देंगे, ठीक है अब क्या करें यार, अब ज्यादा किसी की हाँ मतलब हम पैसे, हम तो पैसे खर्च करने के लिए आए हैं, काम करने वाले ही नहीं है भाई, क्या करें, हम कहीं ढूंढते हैं, कहीं मिलता है तो भाई देखते हैं, नहीं तो फिर देखेंगे बिना लाइट के। आज करवाएंगे आप काम यार। अरे केसी व्लॉग है हमारे साथ में, काम कैसे नहीं होगा हमारा, केसी व्लॉग करवाया काम। तो भाई अब हम आ गए हैं दूसरी शॉप पर, ये है गुड अर्थ मार्केट के पास, गुड अर्थ के ऑपोजिट है डिटेलिंग। तो यहाँ पे हमें वो ऑक्सिलरी लैंप भी मिल गया और एक ये प्रोजेक्टर मिला है फॉग लाइट के लिए। लो भी में, हाई भी में, लो भी में, लो में ये येलो में, येलो है लो। ओ भाई तेज तो है यार। और हाई करना है इसे, ये हाई है, ये हाई में वाइट है, ये वाइट नहीं है, वही होगा बस डिपर होता है। अच्छा इसमें लो और हाई दोनों आ जाएगी। और एक बार ये वाली जलाना, मतलब ये वार्म वाइट है थोड़ा, ये ट्राई कलर। अच्छा हाँ ये येलो भी है भाई इसमें, ये येलो हो गया। अच्छा ये वार्म हो गया, ठीक है, ठीक है सारे काम हो जाएंगे इसमें। और ये और लगने के बाद ये तो फिर मजा आ जाएगा फिर यार, है लाइट सेटअप तगड़ा हो जाएगा। बोला था जैसे तेरी थार में हो रहा है, क्या तेरी थार में, मेरी थार में तो यार फिर और ही कुछ हो रहा है। ओ भाई ये बहुत तेज है, इसमें भी अभी ये एक जल रहा है, ये येलो है, ये डिपर हाईवे में वो येलो है, ठीक है वेट करवाते हैं फिर दिखाते हैं आपको। अभी दिन में तो क्या दिखेगा, रात को ही दिखाएंगे, दिन में भी दिख जाएगा। तो गाइस गाड़ी खुलना हो चुका है शुरू, और कैसी फीलिंग आ रही है? फिर फीलिंग तो रात को आएगी जब तो आउटपुट दिखेगा, आउटपुट दिखेगा। लेकिन एक वो भी दिक्कत कर रही थी ना, कहाँ पुलिस क्या चाहिए रही? ये सारी निकाल रही है, वायरिंग सब निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई ये अजूम की जो हमने वहाँ देखी थी बिमरा पे, वो लग रही है हमारी यहाँ, वहाँ जो रेट थे बहुत ज्यादा थे। हाँ मैंने बोला उसमें भी बहुत फर्क है वहाँ में और यहाँ में। और अभी इसकी फॉग भी हमने चूज की, वो तो आपको बता देंगे, अभी थोड़ा हम कुछ खाने पीने चलते हैं। चलो ये है भाई आपके, एक से रुक जाओ तेरा भला हो जाए, डिटेलिंग माफिया करके है भाई ये आपका गुड अर्थ के एकदम ऑपोजिट। ये कि पूरी मार्केट है यहाँ पे, बगल में बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ आ जाना, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, डैश कैम भाई हमने भी डैश कैम भी देखा है। A few moments later. So, अभी यहाँ पर फिटिंग चल रही है बम्पर में, ये ऑक्सिलरी लाइट की चल रही है, और गाड़ी देखो कैसी लग रही है, हल्का सा ऐसे मॉन्स्टर लग रही है वैसे ऐसी भी। बाकी यहाँ भाई बहुत जल्द दोबारा आएंगे। हाँ जी हाँ जी, अपने को ऑडियो का भी काम करवाना है, डैम्पिंग भी करवानी है, ये नेक्स्ट टाइम आएंगे क्योंकि आज थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है हमारे पास, आज से लाइट का काम करवाएंगे। गाइस अब चेक करो जरा, हेडलाइट, फॉग लाइट और नीचे ऑक्सिलरी। फॉग लाइट में अपनी में तीन कलर ऑप्शन है, चेंज भी हो जाएंगे, इतनी बार हम इसे ऑफ ऑन करेंगे, अभी चेंज करके भी दिखाएंगे आपको। और ऑक्सिलरी अपनी हाई लो के साथ, लो बीम और हाई बीम भी होगी। सो गाइस लाइट्स का काम तो हो गया था, ये देख सकते हो प्रॉपर प्रोजेक्टर फिट हो चुके हैं, और ये आपकी ओजूम की जो लाइट्स लगाई थी इसका थ्रो रात को बता देंगे। और अभी यहाँ पे कार इंप्रेशन आ रखे थे, हो गया सेट, हो गया अभी सेटिंग बता रहे हैं भाई कैसे आपका,
बाद यहाँ पे टैप करोगे आपकी डेट वाली रिकॉर्डिंग आ जाएगी, एक डॉट बन के आ जाएगा, बैक डेट पे टैप करोगे। इसकी डेट वेट सेट कर दी? सब कुछ सेट रहता है, सेट कर दिया ना। और उसके बाद बस यही है, ये बैक कैमरे का लिए ऊपर वाला ये पंच। और बढ़िया है भाई, अभी ना लंच करने गए थे, अभी कितना टाइम हो रहा है, 5 बज गए भाई, मतलब समझ में नहीं आया कैसे टाइम निकल गया। Later that same evening. भाई शाम के 6:30 हो गए हैं, अभी भी यही है, लाइटों के अलाइनमेंट चल रही है, बाकी व्लॉग अब रूम में जाके बनाएंगे, अब हालत नहीं बची है। सो अब फाइनली अब आपको मैं आउटपुट टेस्ट करवा पाऊंगा लाइट्स का। कल यार बहुत लेट हो गया था इसलिए टाइम नहीं लगा, अब रात हो रखी है, एक्चुअल में आपको आउटपुट दिखा पाऊंगा। अभी सारी लाइट्स ऑन है, मैं वन बाय वन सारी बंद करता हूँ ताकि आपको एक्चुअल समझ में आ सके। सो अभी सिर्फ सारी लाइट्स ऑफ हैं, पहले मैं जलाऊंगा फॉग लैंप्स। ये फॉग लाइट है ट्राई कलर, ये अभी येलो वाइट दोनों आ रहे हैं इसके अंदर, नॉर्मली ऑफ करके ऑन करेंगे, पहले इससे वाइट से शुरू होती है ये फॉग लाइट का आउटपुट है, इसको हम दोबारा ऑफ करेंगे तो अभी येलो लाइट आ गई इसमें, एंड एक बार फिर करेंगे येलो वाइट मिक्स, तो बेस्ट आउटपुट इसका मेरे को इस येलो पे लगा। ये फॉग वाली सिचुएशन में बहुत काम आने वाली है, ये एकदम येलो है ये, जैसे एक्चुअल में फॉग में चाहिए। इसके बाद जब हम हेडलाइट ऑन करेंगे, ये अब हमारा प्रोजेक्टर हेडलाइट के ऑन हो चुके हैं लो बीम पे, साथ के साथ जो ऑक्सिलरी लाइट है वो भी इसके साथ कनेक्टेड है, एंड जब हाई मारते हैं हम तो इसमें ऑक्स लाइट की भी हाई ऑन हो जाएगी एंड हेडलाइट की तो होगी होगी। ये अब सारी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, थोड़ा और मैं बेटर समझाने के लिए बाहर से भी आपको एक बार दिखाता हूँ। एक बार चेक करो, मैं कम से कम 100-150 मीटर दूर खड़ा हूँ कार से, यहाँ तक लाइट का थ्रो बाकी आपको वन बाय वन सारी लाइट्स ऑन करके भी दिखाता हूँ। सो बेसिकली हमारा जो सेटअप है ना, फॉग लाइट पड़ती है एकदम ही नीचे, उसकी सेटिंग इस हिसाब से करवाई गई है, ऑक्स पड़ती है मिड रेंज पे और हाई हेडलाइट हाई रेंज पर, तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ऑलमोस्ट पूरी रोड कवर कर लेता है, वो मैं वन बाय वन आपको समझाता हूँ। हेडलाइट ऑफ करें हम, यह भी है हमारी लो बीम, इसमें भी तीन ऑप्शन है जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट है वाइट, इसको ऑफ ऑन करेंगे दोबारा तो फिर ये येलो हो जाएगा। सबसे ज्यादा विजिबिलिटी अच्छी इसकी है और फॉग में सबसे ज्यादा काम भी आने वाला है, एक्सट्रीम फॉग सिचुएशन में हम ये वाली लाइट यूज करेंगे। देन है वार्म वाइट, ये मिक्स ऑफ बोथ वर्ल्ड वाइट एंड येलो। इसके बाद अब जब हमारी हेडलाइट ऑन होगी ये है लो बीम, तो अपनी नॉर्मल स्टॉक लाइट थी हेडलाइट, इसके बाद कुछ विजन ऐसा आ रहा है, खाली इन दो का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, इसके साथ हम फुल वाइट करना हो तो ये, येलो करना हो तो ये। अब हम ऑन करेंगे अपनी ऑक्स लाइट, चेक दिस आउट, अब हमारी ऑक्सिलरी लाइट ऑन हो चुकी है, अभी ये वाइट पर है लो बीम पर है, जब हाई करेंगे सी अभी एक लेंस जल रहा है इसका भी, अब हाई बीम, सारी लाइट्स हाई पावर ऑन है, चेक दिस आउट,
सो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं लाइट्स हमें ऑफ रोडिंग में भी, पहाड़ों पर भी, जब लेट नाइट कहीं ड्राइव करना होगा एंड फॉग सिचुएशन में भी स्पेशली। मैं नहीं रिकमेंड करता आप ये सारी लाइट ऑन करके चलाओ कभी भी, क्योंकि ट्रैफिक को प्रॉब्लम होगी। तो हम भी इनको जब ही ऑन करेंगे जब ज़रूरत होगी एंड सामने कोई नहीं होगा। रही बात इनकी प्राइसेस की, सो ये जो अपना ओवरऑल सेटअप है ये हमें कॉस्ट किया है 23,000 रुपीज़ लगे हमारे हेडलाइट सेटअप के अंदर आफ्टर डिस्काउंट एंड एवरीथिंग। एंड 16,000 में हमें ये पड़ा है क्यूबो का डैश कैम फ्रंट एंड रियर बोथ 4K, पीछे का यहाँ से दिखेगा नहीं। इसकी फंक्शनिंग मैं किसी और वीडियो में आपको दिखा पाऊँगा अच्छे से। 16,000 में हमें ये पड़ा है एंड 23,000 की हमारा हेडलाइट का सेटअप पड़ा है सारा। और कोई आपकी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको यूज़र नेम मिल जाएगा या फिर स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। सो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म एंड मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।